नमस्कार मातृशक्ति, प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और गर्भावस्था के अंदर कौन कौन सी परेशानियां आने का डर रहता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गर्भ अवस्था का सातवां महीना चल रहा है और इस वक्त आपका शिशु काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि गर्भ बड़ा हो चुका है और अब आपके सामने कुछ नई चुनौतियां भी आ जाएंगी। मातृशक्ति, सातवें महीने में प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी सावधानी जिस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आपके भोजन की है। इस समय आपका शिशु मजबूती प्रदान करता है, ऐसे में भोजन की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के सातवें महीने में अपने आप को चुस्त दुस्त रखने के लिए आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर आपको व्यायाम की नॉलेज है, आप व्यायाम करना अच्छे से जानते हैं, तो आप खुद कीजिए, नहीं तो किसी विशेषज्ञ की देख रेख में ही व्यायाम करने चाहिए। वैसे तो नेचुरल पदार्थ ही भोजन में खाना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन आज के समय हमारा भोजन इतना पौष्टिक नहीं रह गया है, उसमें इतने पौष्टिक तत्व नहीं हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, अगर उन पर चर्चा करें तो 8-10 वीडियो बन सकते हैं। इन सब को छोड़ते हैं और एक दूसरा ऑप्शन यह है कि शरीर में पौष्टिक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर अनुपूरक ले सकते हैं। आपके लिए इस समय ये बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा। अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्य में व्यस्त जरूर रहें, अपने आप को बिजी रखें, उससे आप तनाव से भी दूर रहेंगे और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता जाएगा आपकी टेंशन भी बढ़ेगी। उसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि अपने आप को बिजी रखें। आप अपने शौक के अनुसार सारी चीजें कर सकती हैं और डिलीवरी आने के समय आपको इससे आराम हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको झुकने से बचना है, क्योंकि आपकी वैली इस समय काफी बढ़ गई होती है और आपको झुकने में परेशानी होती है, तो जबरदस्ती ना झुके। सीढ़ियां चढ़ते हुए विशेष ध्यान रखना है कि बढ़े हुए पेट के साथ बहुत सावधानी पूर्वक सीढ़ियां चढ़ें। अगर जरूरी ना हो तो सीढ़ियां चढ़ने से बचें। इस समय आपका गर्भ काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए आपको नींद लेते समय अपनी सही स्थिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आपको उस अवस्था में सोना है ताकि आपके पेट पर जोर ना पड़े। सही सोने का पोस्चर होना भी प्रेगनेंसी में बहुत मायने रखता है, आप भी इसका ध्यान रखें। आपका शरीर इस समय डेडोल हो सकता है, आपका वजन काफी बढ़ जाता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक ऐसे जूते चप्पल पहने जिनका आकार छोटा हो, एड़ियां ऊंची ना हो, फ्लैट चप्पल पहने तो इस समय आपको ज्यादा आराम मिलेगा। ढीले ढाले वस्त्र पहने सातों महीना डिलीवरी के लिए कुख्यात है, अब के बाद कभी भी डिलीवरी होने के चांसेस बन जाते हैं। ये महिला की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई भी ऐसी चीज इस वक्त आपको नहीं खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो। प्रेगनेंसी का प्रत्येक महीना वैसे तो क्रिटिकल भरा होता है और कई प्रकार की परेशानियां आने का खतरा रहता है, लेकिन सातवें महीने में रक्तस्राव होने को नजरअंदाज न करें। अगर ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इस समय आपकी पीठ में दर्द, पेट में दर्द बना रह सकता है, बच्चे का वजन बढ़ गया है, वैली में जगह नहीं बची है, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। जस्टन हिक्स संकुचन हो सकता है सातवें महीने में, एक घंटा या एक घंटे में दो बार भी यह हो सकता है। पेट के मांसपेशियों में कसाव महसूस हो सकता है। अगर कोई ज्यादा परेशानी है तो इस समय रिस्क नहीं लेना है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इस सातवें महीने में आपको उल्टियां लगातार आ सकती हैं, उसकी समस्या बनी रह सकती है, इसको भी नजरअंदाज ना करें। सातवां महीना बड़ा क्रिटिकल माना जाता है, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं तो आपको नहीं करने चाहिए और उसे अपने पति की हेल्प से ही करें। इधर उधर कुछ खिसकाना है, भारी वजन उठाना है तो बिल्कुल ना करें। इस समय आप तनाव बिल्कुल ना लें, चाहे घर की कोई भी सिचुएशन हो, अपने पति देव से कहें उसको हैंडल करें। आप बिल्कुल इस वक्त तनाव से दूर रहें, अपना ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।